वेलकम टू फ्लाई हाई अकेडमी। आज अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक और टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक कर देखेंगे। फर्स्ट इज अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट वहाँ इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करना हो, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं एज अ ग्रुप, तो मैनेजमेंट वहाँ हेल्प करता है कि ग्रुप गोल्स अचीव करने में बाय गिविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे मैक्सिमम वेजेस मिले और एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो अगर एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने गोल को अचीव करेगा, मतलब कि अपने वेजेस को इंक्रीज करेगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा दैट इज़ मैक्सिमम आउटपुट, वो अचीव हो जाएगा। देन सेकेंड इज इंक्रीज एफिशिएंसी। अब इंक्रीज एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। किसी भी मैनेजर का मेन एम क्या होता है कि उसे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग। वो कैसे हो सकता है? अगर प्लानिंग सही हो, ऑर्गेनाइजिंग सही हो, डायरेक्टिंग सही हो, कंट्रोलिंग सही हो, अगर ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब सही हो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है इंक्रीज हो जाती है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैनेजर है तो वो क्या कर सकता है, जो सेल्स में एक्सपर्ट है बंदा, उसको सेल्स डिपार्टमेंट में ही रखे, ना कि उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रख दे। अगर वो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रख देगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक्सपर्टीज, जो उसकी सेल्स की एक्सपर्टीज है, वो वहाँ शो नहीं कर पाएगा फाइनेंस में। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मैनेजर को प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर स्टाफिंग करनी चाहिए। देन इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। द एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज कंटिन्यूअस चेंज। जो भी एनवायरमेंट में एक बिजनेस वर्क करता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। एंड पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट टू चेंज। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन बिहेवियर का एक नेचर ही होता है कि वो बहुत जल्दी चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका नेचर होता है कि वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो लेकिन मैनेजमेंट ये हेल्प करता है थ्रू प्रॉपर लीडरशिप, थ्रू प्रॉपर मोटिवेशन। मैनेजमेंट क्या करता है कि डायनेमिक, जितनी भी हमारी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितने भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, उनको हेल्प करता है कि वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैकडॉनल्ड था, जब वो इंडिया में आया था तो वो अपने बीफ प्रोडक्ट के साथ आया था। बीफ प्रोडक्ट, इंडिया का कल्चर नहीं है कि हम लोग बीफ प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें। तो उसने क्या करा कि एज अ इंडिया के एनवायरनमेंट को स्टडी किया। देन अगेन दे विल कम, देन अगेन फिर से वो आया एज अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट लेके। तो इसको हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प करता है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक एम्प्लॉय के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसके कुछ भी हो सकते हैं, या तो उन्हें वेजेस इंक्रीज करवाने अपने, या उसे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अ मैनेजर मोटिवेट एंड लीड हिज टीम। मैनेजर अपनी टीम को ऐसे मोटिवेट और ऐसे लीड करता है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव हों, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों। हमारा लास्ट पॉइंट है सर्विंग सोसाइटी। सर्विंग सोसाइटी में क्या आता है, मैनेजमेंट हेल्प इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट क्या करती है, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स बनाती है ताकि लोगों का स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके। इट ऑल्सो लीड टू मोर प्रॉफिट। इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एंड दस प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस, जिससे वो फेयर वेजेस अपने एम्प्लॉय को दे पाते हैं। एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करती है, और जब वो ज़्यादा प्रॉफिट अचीव करती है तो कहीं ना कहीं उसका मेन एम रहता है कि उसकी ग्रोथ हो, और उसकी ग्रोथ के लिए
उसे लोग चाहिए रहते हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब अपन देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस होता है या नहीं होता, मैनेजमेंट साइंस होता है या नहीं होता। इसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल साइंस जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली मतलब उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल लॉ, जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में एप्लीकेबल है, यूके में एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O जो फॉर्मूला है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में एप्लीकेबल है, जापान में एप्लीकेबल नहीं है, यूके में एप्लीकेबल नहीं है, वो सब जगह एप्लीकेबल है। देन सेकेंड इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या बोलता है, इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड रहते हैं। जैसे कि हमने देखा है न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो दैट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देन थर्ड इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड बाय कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ओवर द ईयर्स इन वेरीड सिचुएशन। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, पहले आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, देन आप उसको कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करते हो, तब जाके उसका कोई प्रिंसिपल होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है कि नहीं होता। मैनेजमेंट एज अ साइंस देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ परवेसिव। उसमें भी यही बोला गया था कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सब जगह अप्लाई होते हैं और इक्वली अप्लाई होते हैं। देन सेकंड इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। कैसे, जैसे कॉज एंड इफेक्ट। कॉज को आपने डिसीजन ले लिया और इफेक्ट को आपने आउटपुट ले लिया। जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसका इफेक्ट आपकी आउटपुट पे दिखेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल भी होता है और वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर भी बेस्ड रहता है। देन थर्ड इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड रहता है साइंस। लेकिन मैनेजमेंट में हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना रहता है, एंड ह्यूमन बिहेवियर आर अनप्रिडिक्टेबल। उसको हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट फुली साइंस नहीं होता, इन एग्जैक्ट साइंस होता है। पार्शली साइंस होता है लेकिन फुली साइंस नहीं होता। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन क्या होता है। हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। जैसे कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या आता है, इन ऑर्डर टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल। स्पेशलाइज्ड स्किल के लिए हमें वो कोर्स करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि लॉयर है तो लॉयर को स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए, इसलिए उसे वो कोर्स करना पड़ता है। कौन सा कोर्स, LLB का कोर्स। देन सेकंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इस वाली फील्ड में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड कैसे होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप CA कर रहे हैं तो CA के लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। थ्रू एग्जामिनेशन आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप CA का कोर्स कर सकते हैं। देन थर्ड इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि वो किसी भी पेशेंट को लेने से मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं किसी पेशेंट का इलाज नहीं करूँगा, वो उसके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है। तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि उसको सारे पेशेंट्स को ट्रीट करना है। फोर्थ इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट। तो बेसिक मोटिव क्या होता है प्रोफेशन का, कि उन्हें अपने क्लाइंट को सर्व करना है। फॉर एग्जांपल एक लॉयर है तो उसका मेन एम क्या है कि उसे अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना है। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता है या नहीं होता। मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे भी हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए रहती हैं। अगर मैनेजर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैनेजर है, मैनेजर के पास स्किल ही नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग की स्किल नहीं होगी,
कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाएगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग रन में हार्मफुल हो जाएगा। देन सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता है। मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, लेकिन वहाँ पे स्किल्स चाहिए रहती हैं और स्किल्स एक्वायर करने के लिए आपको कोई ना कोई कोर्स करना रहता है लाइक MBA और PGDM। देन थर्ड इज इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी मैनेजमेंट में फॉलो नहीं होता है। देन फोर्थ इज सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कुछ सर्विसेज को रेंडर करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद का टॉपिक है मैनेजमेंट एज आर्ट। अभी तक अपन दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब अपना थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट एज आर्ट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्ट होता क्या है। आर्ट एक स्किल होती है, हर एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं जिसके द्वारा वो लोग परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट होता है वो किसी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। एवरी फॉर्म ऑफ एन आर्ट कंटेन अ फेयर अमाउंट ऑफ थ्योरी, हर एक आर्ट की कुछ थ्योरीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि म्यूजिक है, म्यूजिक का कंपोजिशन कैसे बनता है, 7 सुरों को मिला के म्यूजिक बनता है, तो वो एक थ्योरी है उनकी। एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड हैव डेवलप्ड सम थ्योरीज, हर एक फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी थ्योरीज को टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं। देन सेकेंड इज प्रैक्टिकल नॉलेज, लर्निंग थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट। देखिए, थ्योरीज को लर्न करना सफिशिएंट नहीं होता जब तक हम उसको किसी चीज़ में अप्लाई ना कर दें। आर्ट टीच द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी आपने थ्योरीज पढ़ी हैं आपको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करनी रहती हैं। देन थर्ड पॉइंट इज पर्सनल स्किल, आर्ट एक स्किल है। मैंने जैसे आपको सबसे पहले ये बता दिया था कि आर्ट एक स्किल होती है, हर एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट स्किल होती हैं, तो आर्ट एक पर्सनल स्किल है। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एनी आर्ट सो वन हैज़ टू एक्वायर, अगर आपको कोई एक आर्ट लर्न करना है तो आपको उसकी स्किल्स एक्वायर करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैलीग्राफी सीखनी है तो पहले आपको कैलीग्राफी की स्किल्स को एक्वायर करना होगा। आप उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं? थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू क्रिएटिविटी यू कैन एक्वायर पर्सनल स्किल्स। देन इसके बाद का टॉपिक है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज़ हम सीखते हैं तो वो हमें एकदम से तो आती नहीं है, उसके लिए हमेशा हमें प्रैक्टिस करनी रहती है। तो आर्ट भी एक परफेक्ट, आर्ट में भी अगर परफेक्शन चाहिए तो हमें प्रैक्टिस करनी रहेगी रेगुलरली। एवरी आर्टिस्ट बिकम बेटर थ्रू प्रैक्टिस, हर एक आर्टिस्ट जो होता है वो समय के साथ ही बेहतर होता है जब वो प्रैक्टिस करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं तो आपको सिर्फ इतना पता है कि म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं, लेकिन तो इससे आप म्यूजिशियन नहीं बन जाते। आप म्यूजिशियन तब बनेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप म्यूजिशियन बनेंगे। देन पॉइंट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। जो थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से अवेलेबल है उन पे क्रिएटिविटी लेके आना। देखिए, बिजनेस का एनवायरनमेंट है जो हमेशा चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ढलना रहता है। तो वहाँ पे हर एक मैनेजर, जितने भी मैनेजर हैं उनके अंदर ये डिपेंड करते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट है कि नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट की भी कुछ थ्योरीज डेवलप की गई हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो यस, हम लोग कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड रहता है। देन सेकंड पॉइंट इज प्रैक्टिकल नॉलेज, मैनेजमेंट प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर भी बेस्ड रहता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, कि मैनेजर है, उसको कुछ डिसीजन लेने हैं तो वो जब उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी देन ही वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएगा। सपोज करिए आपके पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आपको उसको सॉल्व करने, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इश्यूज हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन है पर्सनल स्किल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है ड्यू टू पर्सनल स्किल, क्योंकि किसी की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी रहती है, किसी की प्लानिंग स्किल अच्छी रहती है, तो इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो सक्सेस हो जाती हैं ड्यू टू देयर स्किल्स, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर सही नहीं होती है। देन है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस,
मैनेजमेंट में भी यही अप्लाई होता है कि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि एक मैनेजर है, उसने मिस्टेक कर दी, इस बार उसने कुछ मिस्टेक कर दी, तो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा कि वो मिस्टेक वो उससे दोबारा ना हो। तो वो कैसे आ सकता है? थ्रू प्रैक्टिस, जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में भी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे क्रिएटिविटी? क्योंकि हर एक, आजकल आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तो यहाँ पे सिर्फ क्रिएटिविटी एक मेन पॉइंट है जो हमें अलग बनाता है। अगर कोई सर्कमस्टेंसेस आ गया है और वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आया है तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी शो करेगी कि आप उससे कैसे निकल पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।